हेलो एवरीवन सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ चैप्टर टू दैट इज़ इज़ मैटर अराउंड अस प्योर तो लास्ट टू लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को 80 परसेंट कम्प्लीट कर चुके हैं हमने बात की थी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है मिक्सचर क्या होता है होमोजिनस मिक्सचर क्या होता है हाइड्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन के बारे में बात की थी और कल के लेसन में हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बात की थी कि डिफरेंट मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है आज हम प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे और मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ प्योर सब्सटांसेज क्या है प्योर सब्सटांसेज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एक है आपके एलिमेंट्स एक है कंपाउंड एलिमेंट क्या होते हैं एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एलिमेंट क्या है किसी भी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी और फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता एलिमेंट्स आर फर्दर कैटेगराइज एज एलिमेंट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइड्स तो ये हम क्लास एट्थ में भी पढ़ के आए हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और मेटलॉयड क्या होते हैं वो एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करें सो so, एलिमेंट ये हमने बात कर ली कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर फॉर्म में बाई केमिकल रिएक्शन और ये तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइडेड है मेटल नॉन मेटल एंड मेटेलॉयड मेटल्स एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं सिल्वर मरकरी कॉपर गोल्ड मेटल क्या होते हैं लश्चरस होते हैं लश्चरस मीन्स शाइनी होते हैं मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स है वे सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर चमकदार होते हैं लश्चरस या तो सिल्वर ग्रे कलर होगा या गोल्ड येलो कलर होगा इनको जब हैमर से बीट किया जाता है तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मीन्स दे आर मेलिएबल और मेलिएबल होने वाली प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है मेटल से हम वायर्स भी बना सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड मींस दे आर सोनोरस उनको हिट करते हैं तो बहुत ही तेज एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जो नॉन मेटल्स के अंदर नहीं हो पाती है नॉन मेटल्स कार्बन आयोडीन क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये किसके एग्जांपल हैं नॉन मेटल के एग्जांपल हैं अगर आपको ध्यान ना रहे तो किसी भी गैस का नाम लिख देना वो क्या होगी नॉन मेटल होगी नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो पॉइंट्स हमने मेटल में पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके अपोजिट नॉन मेटल के होते हैं मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं दे आर नॉट लश्चरस उनमें चमक नहीं होती है मल्टीपल कलर्स में मिल जाते हैं दे आर नॉट डक्टाइल वो डक्टाइल नहीं होते मतलब नॉन मेटल से वायर्स नहीं बनाए जा सकते दे आर नॉन मेलीएबल मीन्स वो शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं हैमर करने पे नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर ब्रिटल का मतलब जब इनको हैमर से बीट किया जाता है तो ये शीट में कन्वर्ट होने की जगह क्या हो जाते हैं छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं जैसे चौक ले लीजिए चौक को अगर आप हिट हिट करेंगे हैमर से तो वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा नॉन मेटल्स हैव वेराइड कलर्स बहुत सारे कलर्स में आपको देखने को मिलते हैं मेटोलॉड के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं सिलिकन जर्मेनियम और ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की शो करते हैं इसलिए इनको मेटलॉइड कहा गया है मेटल और नॉन मेटल के दोनों की प्रॉपर्टी शो करने वाले कुछ क्विक फैक्ट्स फैक्ट्स हैं कि 118 एलिमेंट्स नॉन हैं हमें हमारे पीरियोडिक टेबल में भी 118 एलिमेंट्स हैं इनमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली अकर करते हैं नेचर में बाकी जितने बच गए 26 वो मैनमेड हैं यहाँ पर गलत लिखा है 26 आएगा और मैनमेड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड इन नेचर ज्यादातर जो एलिमेंट हैं वो नेचर में सॉलिड होते हैं आप याद रखिए जो मेटल्स हैं वो सभी सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी मरकरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सभी नॉन मेटल या तो सॉलिड होंगे या गैस होंगे सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है दैट इज योर ब्रोमीन रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेवन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और वो सभी क्या है? आपके हैं आपके नॉन मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर केवल दो एलिमेंट हैं एक है ब्रोमीन एक है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जबकि मरकरी एक मेटल है एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली हाइयर देन रूम टेम्परेचर दो एलिमेंट ऐसे हैं रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाते ही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो हैं गैलियम एंड सीजियम क्या है गैलियम एंड सीजियम कैल्शियम नहीं आएगा गैलियम एंड सीजियम आएगा इनको यदि आप अपने पाम पे रखें तो आपके जो पाम का टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है इस वजह से वो आपके पाम के ऊपर भी मेल्ट हो जाएंगे एक तो था हमारा प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट दूसरे जो चीज थी उसको क्या नाम दिया गया था हमने कंपाउंड नाम दिया था इट इज सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कंपाउंड क्या है जी दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बनता है और आप कह सकते हैं इट इज अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स किससे मिलके बना है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना है दीज सबस्टांसेज आर कम्बाइंड केमिकली एक दूसरे के साथ केमिकली कम्बाइंड हुए हैं इन अ फिक्सड प्रपोर्शन फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कम्पाउंड विच इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स वन इज़ कार्बन सेकेंड इज ऑक्सीजन और इनकी जो प्रपोर्शन है वो भी फिक्स है कि कार्बन का एक, एक आइटम होता है ऑक्सीजन के दो होते हैं ऐसा ही एग्जाम्पल वाटर का ले लीजिए ये भी दो एलिमेंट्स से मिल बना है एक है आपका हाइड्रोजन एक है आपका ऑक्सीजन इनका रेशियो भी फिक्स है टू इच टू वन जितनी भी कंपाउंडस हैं वो केमिकली बने हुए हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड हैं और एक फिक्सड प्रोपोर्शन में बॉन्डेड है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट कार्बन की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग हैं ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग हैं लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ना तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल करता है कंप्लीटली ना ऑक्सीजन की इसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं अमोनियम सल्फेट सल्फर क्लोराइड वाटर हाइड्रोजन क्लोराइड ये सब किसके एग्जाम्पल हैं जी आपके कंपाउंड्स के एग्जाम्पल एक एक्टिविटी है आपकी बुक में काफी इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चे उसको मिस कर देते हैं लेकिन काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है समझने के लिए कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो हमें हमारी क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है दोनों को 50 ग्राम आयरन फीलिंग्स और 3 ग्राम सल्फर पाउडर देना है चाइना डिश के अंदर चाइना डिश देखी होगी आप लोगों ने वाइट कलर की होती है ऐसी कटोरी जैसी ग्रुप वन क्या करेगा अच्छे से मिक्स करेगा और क्रश करेगा आयरन फीलिंग और सल्फर पाउडर को दूसरा ग्रुप क्या करेगा सेम यही काम करेगा और उसके बाद उस मिक्सचर को स्ट्रांगली हीट करेगा जब तक कि वो मिक्सचर रेड हॉट नहीं हो जाता फिर उसको फ्लेम से उतारेगा और उसको ठंडा होने देगा तो पहले वाले ने सिर्फ उसको मिक्स किया क्रश किया दूसरे वाले ने यही काम करने के बाद उसको स्ट्रांगली हीट किया फिर उसको ठंडा किया तो जो पहले ग्रुप ने ऑप्टेन किया दैट आयरन फीलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स करके क्रश किया गया सो वी विल गेट अ मिक्सचर अब आपने क्या करना है सेपरेशन करनी है आयरन और सल्फर की इस मिक्सचर के अंदर तो आपको एक मैग्नेट लेके आना है इसके पास तो हमने बात की कि मिक्सचर के अंदर जो भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहती हैं तो मैग्नेट जब आप लेके आएंगे तो मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो जितनी भी आयरन फीलिंग्स हैं वो इस मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएंगे सल्फर पाउडर अलग हो जाएगा और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मिक्सचर्स को हम फिजिकल मैथड से सेपरेट कर सकते हैं सो तो दिस इज़ अ फिज़िकल मैथड मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को आपको किस में डिजोल्व करना है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिजोल्व करना है तो कार्बन डाइसल्फाइड के पास कैपेबिलिटी होती है कि सल्फर को वो अपने अंदर डिजोल्व कर सके तो सल्फर इस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है तो वो इस कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो जाएगा नीचे आपके आयरन फीलिंग बच जाएंगे सो so ये भी फिजिकल मेथड से क्या हो गया सेपरेट हो गया जो दूसरे ग्रुप ने ऑप्टेन किया था कि दोनों चीजों को लिया मिक्स किया क्रश किया उसके बाद हीट किया तो उनने क्या किया कंपाउंड और कंपाउंड अपने कॉन्स्टिटेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है आपको क्या करना है अभी इनको सेपरेशन करके देखना है पहले मैग्नेट लेके आइए तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि जब उन दोनों को हम लोगों ने हीट किया तो आयरन और सल्फर ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एफ ई एस बना लिया ठीक है जी तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो मैग्नेटिक सेपरेशन काम नहीं करेगी अब इसके अंदर हमको कार्बन डाइसल्फाइड डालनी है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर अब सल्फर डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि जो आपका एफ वी एस है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से तो अब उसके अंदर सिर्फ सल्फर है नहीं तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा वो कंपाउंड एज इट इज़ नीचे ही रहेगा तो हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड हैं उनको केमिकली ही सेपरेट कर सकते हैं आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व फॉर अपीयरेंस जो वॉच ग्लास है ए शोज हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसके अंदर आयरन और सल्फर को मिक्स किया गया था क्रश किया गया दूसरे के अंदर ब्लैक कलर मास देखने को मिलेगा जो होमोजीनस होगा तो मिक्सचर्स आर हेट्रोजिनस वेरस कंपाउंड इज ए होमोजिनस सबस्टांस इंटरफेरेंस क्या है मिक्सचर इज हेट्रोजीनस एंड कंपाउंड इज होमोजीनस सब्सटेंस एक्शन ऑफ मैग्नेट बार मैग्नेट को लेके आना है फर्स्ट वॉच ग्लास के अंदर से तो आयरन फीलिंग्स क्लिंक कर जाएंगी दूसरे वाले में से नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा कंपाउंड है कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ मिक्सचर ए कैन बी सेपरेटेड फिजिकली बट नॉट इन बी क्योंकि बी क्या है कंपाउंड है बिहेवियर टूवर्ड्स आयरन डाइसल्फाइड इन टेस्ट ट्यूब ए सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड आयरन फीलिंग सेटल डाउन पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फर डिजोल्व हो जाएगी आयरन नीचे बैठ जाएगी जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में कुछ भी चीज़ डिजोल्व नहीं होगी तो जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड से ठीक है जी तो जो आपका सैम्पल ए था जो ग्रुप वन ने किया था दैट वाज ए मिक्सचर तो इट कैन बी सेपरेटेड बी वाला कंपाउंड है तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे इफेक्ट ऑफ हीट हीट करेंगे ए के कंपोनेंट्स को वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे लेकिन फर्दर आपको उसके जो बी वाले हैं उनके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा हीट करने पे क्योंकि वो पहले ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर चुके हैं द मिक्सचर कंपोनेंट्स फ्रॉम द वॉच ग्लास ए रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड बट नो चेंज इज सीन इन कंपाउंड फ्रॉम वॉच ग्लास बी क्योंकि वो पहले ही रिएक्ट करके कंपाउंड बना चुके हैं सो मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इन इट कंटेन्स तो मिक्सचर उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर वो बना है जबकि कंपाउंड की टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट तो कॉन्स्टिट्यूएंट उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है so, कंपाउंड की मिक्सचर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है मीन्स दे आर हेट्रोजीनस कंपाउंड जो है वो होमोजीनस होते हैं मीन्स डेफिनेट कंपोजिशन होती है डेफिनेट रेशियो होता है जो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस और फोर्थ पॉइंट के नाम पे आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे ऊपर जो हमने एक्टिविटी की थी उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दीजिएगा सो दीज आर द डिफ्रेंसिस ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू टेक केयर